सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बेटे की मौत के करीब डेढ़ महीने बाद चुप्पी तोड़ी है। के सिंह ने अब एक्ट्रेस और सुशांत सिंह की करीबी रही रिया चक्रवर्ती पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। इस दौरान के सिंह ने जहां सुशांत से जुड़े कई खुलासे किए हैं, वहीं कई सवाल भी पूछे हैं। के सिंह ने बिहार के राजीव नगर थाना में जो FIR दर्ज करवाई है, उसमें उन्होंने रिया सहित उनके पूरे परिवार पर आरोप लगाया है। बिहार में दर्ज FIR संख्या 241/20 मामले में रिया चक्रवर्ती सहित 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, जिसमें IPC की धारा 340, 341, 342, 380, 406, 420 और 306 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के अलावा इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरेंडा, श्रुति मोदी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सभी के खिलाफ धोखाधड़ी, बेईमानी, बंधक बनाकर रखने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। FIR में सुशांत सिंह के पिता ने ये 7 अहम सवाल उठाए हैं। सुशांत के पिता के 7 सवाल। 2019 से पहले तक सुशांत बिल्कुल ठीक था, तो उसे अचानक दिमागी रूप से परेशानी कैसे हो गई? अगर ऐसा था और इसका इलाज चल रहा था, तो हमसे किसी भी तरह की अनुमति क्यों नहीं ली गई? जिन जिन डॉक्टर्स ने मेरे बेटे का इलाज किया और उसको कौन सी दवाई दी? सुशांत बीमार थे तो उसे अकेले छोड़ना, इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना, उससे हर तरह के संपर्क तोड़ लेना, उसने ऐसा क्यों किया? रिया के आने के बाद सुशांत की फिल्में आनी कम क्यों हुई? मेरे बेटे के बैंक खाते से 15 करोड़ रुपए का ट्रांसफर ऐसे अकाउंट पर हुआ है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। रिया क्यों सुशांत की जरूरी कागजात, क्रेडिट कार्ड, जेवर, कैश, लैपटॉप सहित कई सामान लेकर गई? दरअसल मुंबई पुलिस की ओर से कई डायरेक्टर्स से पूछताछ के बाद अब सुशांत के पिता ने बिहार में ही सुशांत की गर्लफ्रेंड पर FIR दर्ज करवाई है और अपने बेटे के खिलाफ न्याय की उम्मीद जताई है।